नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी की बड़ी बैठक रायपुर में चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दफ्तर में मंथन हो रहा है। 90 विधानसभा में दूसरे राज्यों के विधायक दौरा करेंगे और 4 दिन तक विधानसभा क्षेत्रों में रुक कर पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के बीजेपी के विधायक छत्तीसगढ़ में डेरा डालेंगे और छत्तीसगढ़ की पूरी 90 विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के बीजेपी के विधायक जाएंगे और दौरा करेंगे, समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने के बाद आलाकमान को सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में इसी बात को लेकर मंथन कि कौन विधायक किस क्षेत्र में जाएगा, क्या जिम्मेदारी दूसरे विधायकों को सौंपी जाएगी, इन तमाम बड़े मुद्दों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पूरी 90 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के बीजेपी के विधायक जाएंगे और उसके बाद करीब 4 दिन का वक्त उन्हें दिया जाएगा। 4 दिन तक विधानसभा क्षेत्र में रुककर वहां अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, आकलन करेंगे और उसके बाद आलाकमान को सौंपेंगे। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी नेहा केशवानी से। नेहा, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? बीजेपी का यह बड़ा मंथन, अब 4 दिन तक डेरा डालेंगे दूसरे राज्यों के बीजेपी के विधायक, क्या कुछ जिम्मेदारी और क्या काम सौंपा गया है? अब 4 दिन तक डेरा डालेंगे दूसरे राज्यों के बीजेपी के विधायक, क्या कुछ जिम्मेदारी और क्या काम सौंपा गया है? बिल्कुल, देखिए अब चुनाव करीब है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अब समय कम है। जहाँ पर बीजेपी ने अपनी सीट पिछले समय खो दी थी, अब उसी पर सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस कर रही है और अब जो है दूसरे राज्यों के विधायकों को भी यहाँ लाकर के चुनावी प्रचार में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो आज जो है यहाँ पर 40 विधायक पहुँचे हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित है और इसी कार्यशाला के द्वारा जो है यहाँ के चुनावी समीकरण को बाकी जो विधायक हैं उनसे जो है वो अवगत कराया जाएगा, ताकि जब ये विधायक अलग अलग विधानसभा सीटों पर पहुंचे, वहां के विधानसभा क्षेत्रों पर पहुंचे, तो वहां पर जो है चुनावी प्रचार को जोर दे सके। तो इसी तरीके से अभी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में ये कार्यशाला आयोजित है और सभी विधायकों को जो है वो यहां के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 29 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं, 10 सीटें अनुसूचित जाति की है। हालांकि पिछले समय अनुसूचित जाति को लेकर के बीजेपी की पहले भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें हो चुकी है, राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति की जो सीटों पर खासा फोकस करते हुए जो है वो वहां पर बैठ के ली थी और वहां पर चुनावी प्रचार जारी है। अब जो बाकी सीटें हैं, क्योंकि यहां का जो जातिगत समीकरण है उनसे अवगत कराने का काम जो है वो यहां इस कार्यशाला में चल रहा है और उन्हीं विधायकों को जो है ये अवगत कराया जा रहा है। तो आज से अगले 4 दिनों तक जो ये विधायक हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर जो है वो चुनावी प्रचार को जोड़ देंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब बाकी राज्यों के विधायकों के भरोसे जो है अब चुनावी प्रचार को जोर दे रही है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पूरे, अगर हम देखा जाए तो पूरे चुनावी कार्य को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस हुई है, किस तरीके से बीते समय 21 सीटों पर प्रत्याशी भी जो है वो बीजेपी घोषित कर चुकी है। आने वाले समय में और जो है सीटों का ऐलान होगा, प्रत्याशियों का ऐलान होगा। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का ये जो कार्यशाला है और अगले 4 दिनों का विधायक जो है ये पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे और ये खबर को